सस्टिफाई फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस किचन। कैसे हैं आप लोग? तो आज एक मग पिज्जा की रेसिपी के साथ। तो देखिए उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो ये देखिए, उसके लिए मैदा लिया है मैंने, यानी कि ऑल पर्पज फ्लावर, ये बेकिंग पाउडर सोडा, ये बेकिंग सोडा, मिल्क लिया है, मिक्स वेज लिया है, ये ऑप्शनल है, आपको डालना है डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ये ग्रेटेड चीज ले लिया मैंने, पिंच ऑफ सॉल्ट चाहिए, ये ओरेगनो सीजनिंग है, चिली फ्लेक्स है, पिज्जा एंड पास्ता सॉस और ऑयल चाहिए। ठीक है, ऑयल नहीं है तो आप मतलब आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप जो है अनसॉल्टेड बटर या सॉल्टेड बटर जो भी है आप वो भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर मैं ये ऑल पर्पज फ्लावर डाल दूंगी, ये बेकिंग पाउडर डाल देंगे, बेकिंग सोडा, ये भी पिंच ही डालना है हमको, और ये नमक है, ये भी हम पिंच ही डालेंगे क्योंकि हमने चीज भी डालना है फिर, और ये सॉसेस वगैरह भी डालनी है, तो इसलिए इसको अब हम अच्छे से एक बारी मिक्स कर लेते हैं ताकि सारा कुछ इसमें मिक्स हो जाए। मिक्स हो गया, अब इसके अंदर मैं ये जो है थोड़ा ऑयल डाल दूंगी, ये हमको 1 टेबल स्पून के अराउंड डालना है, 1 टेबल स्पून डाल दिया। ठीक है, और इसके अंदर अब जो मैं ये थोड़ी सी वेजेस पहले एक बार इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, और इसके साथ ही इसके अंदर मैं ये दूध ऐड कर दूंगी, थोड़ा थोड़ा करके इसको हम स्टर करेंगे ताकि एक स्मूथ सा जो है इसका टेक्सचर बने। ये 60 ml के अराउंड मैंने ली है, तो ये देखिए ये इस तरह से इसका टेक्सचर एक बन गया है। बस ये हो गया, अब इसके अंदर थोड़ी सी वेजेस मैं पहले डाल देती हूँ, ये हो गया, और अब थोड़ा सा चिली फ्लेक्स पहले डालेंगे, थोड़ी सी ओरेगनो डाल देंगे। ठीक है, इसको मिक्स कर दिया, ये देखिए अब हमारा इस तरह से ये बन गया है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर मैं ये पिज्जा एंड पास्ता जो है सॉस वो डालूंगी इस तरह से, और इसको इसके ऊपर ना आराम से स्प्रेड कर देंगे। थोड़ी सी और ऐड करेंगे, बस अब काफी है, ये क्लियर सी इसके ऊपर बना देनी है, इसको अच्छे से सब तरफ स्प्रेड कर दिया इसको, ये देखिए ये हो गया। अब इसके ऊपर थोड़ी सी वेजीज, वो ही हमने वेजीज इसके अंदर ली है जो बस फटाफट जो है सॉफ्ट हो जाती हैं, और अगर ये क्रंची भी हो तब भी खाई जाती हैं। ये देखिए ये हो गया, इसके ऊपर अब मैं ये चीज डाल दूंगी, ये जो कि कोई सा भी चीज आप ले सकते हैं, और इसको मैंने बारीक बारीक इसको ग्रेट किया है जो बहुत बारीक साइड होती है, ये देखिए। और बस अब इसको 1 मिनट के लिए मैं माइक्रोवेव कर दूंगी। और अब 1 मिनट के बाद हम चेक करते हैं बनाए कि नहीं, और ये देखिए आपके माइक्रोवेव के ऊपर भी डिपेंड करता है वो कितनी पार का है। कई माइक्रोवेव 1 मिनट में बना देते हैं, कई 1.5 मिनट लेते हैं, कई 2 मिनट लेते हैं, तो लेट्स सी हमारा कितनी देर में बनता है। तो देखिए बस अब ये होने वाला है, अब चेक करेंगे इसको कि बनाए कि नहीं। ये देखिए कितना सुंदर बना है, बहुत अच्छा बना है ये। बस इसके ऊपर अब मैं जो है थोड़ी सी ये ओरेगनो सीजनिंग को थोड़ा सा इस तरह से डाल देंगे, और बस ये हमारा जो है फटाफट वाला मग पिज्जा तैयार है। बच्चे बोले पिज्जा बनाओ तो कौन बेस बनाए, कौन बाजार से लाए, सीधा मग में बनाया, लो भैया खाओ मग पिज्जा, टेस्ट कीजिएगा, बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको। सिंपल रेसिपी है, क्या है, ऑल पर्पज फ्लावर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, थोड़ा सा ऑयल डाला और थोड़ा सा दूध डाल के पेस्ट बना लिया, बाकी आपकी मर्जी है। आप इसके अंदर नॉनवेज आइटम्स भी ऐड कर सकते हैं एज पर योर टेस्ट, और जो घर में अवेलेबल हो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं।
और बताइएगा कैसी लगी। इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर आप भूल जाएं तो, और वहीं पर ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी मिलेगा, आप चाहें तो मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज रेसिपी को अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। टेक केयर, बाय।